सरकार की आ रही है उसको तो कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या बोलते हैं वो बहुत नुकसान हुआ उनका, वो आप मोदी को कभी नहीं हरा सकते। देखिए झूठ हमेशा हारेगा, सच को हरा नहीं सकते। सच मोदी जी हैं, झूठ परोसा गया था लोकसभा के चुनाव में। झूठ की और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, हम लोगों के पीठ पे छोरा, जनता को धोखा दे दिया। अब सपा के और कांग्रेस के सांसदों को ढूंढा जा रहा है कि कहां हैं, जहां जहां जीते थे, और उनका कोई पता नहीं। वहां की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ये बात हरियाणा को पता चल गई, वहां की जनता जानती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक साजिश थी, जनता एक मुश्त होके, सारे हिंदू एक मुश्त होकर जात को हटा के, अब भारत जागा है, अब सब लोग जाति में नहीं, अब हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं, सनातनी विचारधारा के साथ राष्ट्र सर्वोपरि को दिमाग में रख के वोट किया जा रहा है। अब उसका अगला चुनाव और अगला रिजल्ट अब महाराष्ट्र में दिखेगा और झारखंड में दिखेगा। और मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, हरियाणा के प्रचार के दौरान ही मैंने 6 दिन 8 दिन पहले कहा था कि रिजल्ट देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी। अब आप मेरी बात वापस रिकॉर्डेड रखिएगा, ये घमंड नहीं, झूठ को भारत पहचान गया। एक बार लोकसभा में धोखा हो गया, पता है कि ये देश प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के ही पद चिन्हों पर, उनके ईमानदारी विचारधारा, राष्ट्र सर्वोपरि, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसमें कोई रोक नहीं। बाकी ये लोग देश नहीं चला सकते, ये परिवार चला सकते हैं, ये लोग अपनी झोली भरेंगे, इनके मंत्री अपनी झोली भरेंगे। देश चलाना कोई खिलौना नहीं है, 65 साल देख लिया था लोगों ने। तो आप असदुद्दीन ओवैसी जी जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ये वो उनका खेला वही जाने। लेकिन सच तो ये है कि मोदी जी, सत्य को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक प्रधान सेवक को हराना, एक फकीर को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सूफी, इस संत के धरती पर, ये जो साधु संतों की धरती है, यहाँ पर किसी संत को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. Thank you.